ऑफसाइड सब क्या रिसीव में सुखो रखा में का भीतर बोलो अगना अड़ी लेटम दे तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सेकंड डे है और दूरदर्शन जिसको आप देख रहे हैं फूटा कॉलेज से मैं एएमबी फ्रॉम पटना और देखो कर रही है ऐसे करके कोच के बीच हमने देखा चला मैं बढ़िया स्मॉल पासेस के थ्रू एक गोल अभी ये चल रहा है छोटा टीम की तरफ से
बॉल को तेज करते हुए राजधाम और ये गोल की लिए हैं हरिचंदनपुर से डिफेंडर और ये सेंटर फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए बॉल को तेज करना चाहते हैं और ये छोटे छोटे पासेस फिर बॉल आगे फॉरवर्ड छोटा टीम भी चाह रहा है कैसे करके एक गोल किया जाए लेकिन आपका पल्ला एक कमजोर टीम से नहीं पड़ी खुला जवाब है आप देख सकते हैं किस प्रकार शॉर्ट पासेस से थ्रू ये गेम खेला जा रहा है और ये आउट श्री भुवन हो सर जो कि हमारे साइड रेफरी हैं जो कि फ्लैग मैन भी बोला जाता है और स्कोर बोर्ड में बैठे हैं संतोष महाकुट सर इन सभी माननीय व्यक्तियों का हम देना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे लोगों का जो आज अपना कीमती समय निकाल करके मैच देखने में आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और ये बढ़िया पास जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दोनों एक अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं कि इनका खेलने का तरीका क्या है ट्रेडिशनल मेथड में चल रहा है खेल और ये शॉर्ट पासेस में खेल रहे हैं क्योंकि शॉर्ट पासेस ही है जो आपको स्ट्रांग बनाएगा तो डिफेंडर हिट ले रहे हैं लेकिन बॉल जा जर्सी नंबर 11 बॉल को फॉरवर्ड पास करते हुए जर्सी नंबर 13 के पास लेकिन वो बॉल गया गोलकीपर के हाथ में बेहतरीन एक बेहतरीन खेल का गोलकीपर ने किक लिया बॉल अभी भी कंट्रोल में है हरिचंदनपुर के पास फिर से अभी आ गया है कोटा के पास जर्सी नंबर 15 से बॉल ही मिस हिट होकर के 11 नंबर जर्सी के पास है अभी बॉल फॉरवर्ड आगे हो रहा है और सेंटर फॉरवर्ड भी रन कर रहे हैं आगे और ये फाउल हो सकता है और ये फाउल कोटा की टीम की तरफ से डिफेंडर हिट लिए हैं जर्सी नंबर 2 हरिचंदनपुर बॉल आगे फॉरवर्ड किए हैं लेकिन अनंत कुमार सर और स्कोर बोर्ड हैंडल कर रहे हैं संतोष महाकुट सर ये आज के हमारे चार इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो अंदर खेल रहे हैं पिच के अंदर वो भी इम्पोर्टेंट है और ये इसो के बीच बॉल आगे बढ़कर रह रहे हैं शायद उनको भी डर है कि कहीं गोल ना हो जाए वो बॉल बहुत आगे ऑफसाइड है तो समझ सकते हैं आउटफील्ड कितना मजबूत होगा हरिचंदनपुर 3 फॉरवर्ड के साथ खेल रहा है सेंटर लेफ्ट लेफ्ट फॉरवर्ड कि जो राइट साइड सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं उनके पास मौका है गोल करने का और ये बढ़िया पास लेकिन वो चला गया है आउट पोस्ट में गुली के बीच मैं भीतर का बोलन दो कोई मैं बोल दूंगा और ये हेडर के थ्रू एक शॉट पास है अभी भी हरिचंदनपुर डोमिनेशन में है क्योंकि इनके पास एक गोल का लीड है खूंटा अभी भी इनमें है क्योंकि आगे है और ये फिट गया पीछे लेकिन चांसेस बन सकता था रिस्क नहीं लेंगे गोलकीपर तो वो आगे आ कर बॉल को रिसीव कर ले रहे हैं और ये गोलकीपर का एक किक खूंटा के पास बॉल जैसे नंबर 15 जैसे नंबर 15 आगे बढ़ते हुए लेकिन वो भी चांसेस नहीं ले पाए ये बढ़िया पास था इससे पता चलता है कि शायद बहुत क्लोजली गोल हो सकता है थ्रोइन हो गया है लेकिन छोटा के पास थ्रोइन किए हैं हरिचंदनपुर फिर से छोटा पास हरिचंदनपुर फिर से करके खेलना चाहते हैं लेकिन डिफेंडर नहीं चाहेंगे दोबारा ये गलती दोहराना डिफेंडर छोटा से फुटबॉल में नियम कानून बहुत सख्ती से पालन किए जाते हैं और अभी बॉल है छोटा के पास छोटा के प्लेयर बॉल को फॉरवर्ड किए हैं आगे लेफ्ट कॉर्नर से अटैकिंग मोड में आए हैं और ये गोल गोल्डा तो वो उल्टा रन कॉर्नर वो अपनी टीम को लीड दिलवा रहे हैं दिलवा चुके हैं सॉरी एक एक का हो गया है अभी गोल
अभी प्रेशर दोनों के ऊपर फिर से बनता है, क्योंकि जब आप 0-0 पर रहते हैं तो आपको ये ख्याल रहता है कि हम कैसे 1 पे आए, जब आप 1-1 में रहते हैं तो आपको फिर से यही ख्याल आएगा कि हम इसको 2 में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन अपोनेंट अगर आपको उतना मौका दे रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। और फिर देख रहे हैं कोटा की टीम आगे बढ़ रहा है और गोल कीपर थ्रो इन हुआ कोटा की तरफ से। चलो 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 भाई ले रखते हैं। दोनों की तरफ से गोल हो चुके हैं, अभी टीम अप और गोल कीपर फिर से फॉरवर्ड आकर के हरिचंदनपुर के बॉल को रिसीव किए हैं। अर्जुन मैन छाड़पुरी दो हेडर में, दोनों ही टीम में लोकल प्लेयर्स हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो नो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अपना लोकल लैंग्वेज छोड़ के रखे डूड का पे केना को दीपो कोडे भाई। फिर से गोलकीपर के पास बॉल, हरिचंदनपुर से लंबा हिट, मिडफील्ड को क्रॉस करते हुए बॉल, हरिचंदनपुर के पास बॉल, अभी कोटा के पास, कोटा के जो मिडफील्डर है वो आगे बॉल पास कर रहे हैं, जर्सी नंबर 6 के पास भी कंट्रोल है और ये बॉल हरिचंदनपुर के पास बॉल वो आगे बॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं, जर्सी नंबर 14 आगे बढ़ करके ट्राई कर रहे हैं, जर्सी नंबर 7 के पास अभी बॉल है, जर्सी नंबर 7 फिर बॉल फॉरवर्ड किए हैं और आगे थोड़ा ही चूक गए वरना ये गोल हो सकता था। हरिचंदनपुर कोटा के पास अभी बॉल है, आउटफील्ड बहुत ही ज्यादा तेज है, कंट्रोल किसी के पास भी नहीं रह रहा, हार्डली 1-2 सेकंड बॉल रखता है आपके पास, फिर से कोटा के पास बॉल, कोटा के मिडफील्डर ट्राई कर रहे हैं बॉल आगे भेजने के लिए और ये बहुत लॉन्ग हो गया तो इसमें आप एक्स करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो बॉल आएगा झट से जाएगा, हाथ झपके दुर्घटना घटी। अभी फिर से बॉल है हरिचंदनपुर के पास, खूंटा खूंटा के डिफेंस टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, अभी टीम जो है 3 डिफेंडर के साथ फील्ड में उतरा है, उनके मिडफील्डर अच्छा काम करते हुए बॉल को अपने और ये मौजूद है तो आप आकर के रजिस्ट्रेशन काउंटर कंप्लीट कीजिए, उसके तुरंत बाद और सेकेंड हाफ में जो मैचेस होने वाले हैं वो हैं और उसके तुरंत ही बात है SCB कॉलेज रगड़ा वर्सेस जंगल ENB सलगांव, ये आज के लाइनअप हैं जो आज ये टीम खेलेंगे और ये ऑफसाइड प्लेयर्स पहले से ही आगे जाकर के ये ऑफसाइड करार दिया गया है। ऐसे लो ऐसे लो नुआ धारे गेम कहोगे तो के पास कंट्रोल राइट हैंड साइड से फॉरवर्ड प्लेयर जो हैं ये गोल पोस्ट के तरफ बढ़ रहे थे लेकिन अभी कंट्रोल है हरिचंदनपुर के पास और ये आउट।
अपन बड़ा बाइक होल लेकिन तो बहुत रस का है। और ये फाउल है तो उसे फाउल करार देते हुए पूरे को से ट्रेन वाला एक किक दिया जो कि हरिचंदनपुर को मिलता है अगेंस्ट फोटो भी लेकिन कंट्रोल है अभी हरिचंदनपुर के साथ पास खोज रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। और खूंटा की तरफ डिफेंस में खूंटा की तरफ से किक ले रहे हैं डिफेंडर और ये बेहतरीन हेडर हेड पास था जैसे नंबर 5 के पास बॉल है अभी हरिचंदनपुर से जैसे नंबर 7 ये बेहतरीन स्किल दिखाते हुए पैरों का मूवमेंट इनका बहुत बेहतरीन फिर से खूंटा के पास बॉल और खूंटा के जो प्लेयर है वो बॉल को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और दो लेफ्ट कॉर्नर से अटैकिंग मोड पर सेंटर फॉरवर्ड और और एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए करेक्शन करवाने के लिए जो जो भी हेल्प हो सकता है एक इंडिविजुअल को वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साइड फ्लैग मैन रूवन हो है और स्कोर में भी बैठे हैं संतोष महापुर से तो अभी लीड कर रहा है हरिचंदनपुर हरिचंदनपुर से होता है कि बॉल आगे जा रहा है हरिचंदनपुर के फॉरवर्ड लेकिन और ये छोटा सा पास लेकिन बॉल डिफेंस टीम के पास है और गोलकीपर थोड़ा आगे बढ़ते हुए सतर्क होते हुए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये गोल की काफिरिया से आगे जा रहे हैं और ये लॉन्ग किक हुआ है फिर गोलकीपर के हाथ में बॉल बॉल का मूवमेंट बहुत ही तेज है आउटफील्ड भी तेज है तो अगर बॉल आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप से भूल चूक हो सकता है। अभी कोटा के पास बॉल जैसे नंबर 1 बढ़िया पास दिए हैं जैसे नंबर 14 को और ये ऑफ साइड का इशारा जो भी फुटवर्क कर रहे हैं जो रन अप ले रहे हैं लॉन्ग रन में हो या शॉर्ट रन में हो दोनों तरफ से दोनों ही टीम बढ़िया खेल रहे हैं। अभी बढ़िया पास मिला है जैसी नंबर 6 को लेफ्ट कॉर्नर से अभी फिर ये बैक पास दे रहे हैं जैसी नंबर 11 के पास अभी बॉल अभी विक करने का चांस है लेकिन ये बहुत और ये खूंटा को हिट मिलता है ये ओपोजिट में है हरिचंदनपुर को हिट मिला है लेकिन गलतफहमी की वजह से खूंटा के टीम आगे आ गए थे उनको लगा उनको शॉट दिया गया है। हरिचंदनपुर अभी स्ट्राइक में है जर्सी नंबर 2 के पास बॉल है और ये डायरेक्ट हिट करते हुए लेकिन बॉल गोल के लिए है डिफेंडर बॉल फिर से हरिचंदनपुर से थ्रो इन हुआ है बॉल आगे रन कर रहा है लेकिन डिफेंडर बॉल आगे जाने नहीं दे रहे हैं। खूंटा भी आगे बढ़ता हुआ जर्सी नंबर 13 को दो प्लेयर्स घेरते हुए और ये बढ़िया पास हो सकता था अगर हरिचंदनपुर की टीम से अभी शॉर्ट पास लेकिन ये रिस्क हो सकता है बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था क्योंकि आप शॉर्ट पासेस में खेल रहे हैं। अभी हरिचंदनपुर आगे बढ़ रहा है बॉल को लेते हुए वो अभी भी कंट्रोल में है लेकिन और ये छोटा सा पास जर्सी नंबर 14 के लिए जर्सी नंबर 11 से पास लेकिन बॉल दूसरे एंड पे है हरिचंदनपुर के पास हरिचंदनपुर के स्ट्राइकर नंबर 5 आगे बढ़ते हुए लेकिन गोलकीपर बहुत ही सतर्क भी बॉल फिर से आगे बढ़ रहा है हरिचंदनपुर सॉरी खूंटा की टीम आगे बढ़ रहे हैं खूंटा के जर्सी नंबर 4 आगे है और ये
गोल कन्वर्ट नहीं कर पाई, ये बेहतरीन सेव था गोलकीपर की तरफ से, बहुत ही ज्यादा चांसेस था। अभी तक स्कोर है 1-1 ईच, दोनों टीम के पास एक एक गोल है, अभी रोमांच भरा मैच चल रहा है। और ये फिर से बेहतरीन पास, जर्सी नंबर 14 के पास मौका है फिर से, लेकिन गोलकीपर के पास बॉल और ये लॉन्ग किक ले रहे हैं जर्सी नंबर 9, बैक हुआ है जर्सी नंबर 7, ना तो साइड उड़ उड़ आगे बढ़ रहे हैं जर्सी नंबर 5 तो इन कर रहे हैं। और ये गोल होने का खतरा, लेकिन गोल नहीं हुआ, बहुत ही, लेकिन सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो गोल किक लिए हैं डिफेंडर, और थ्रो लिए हैं कुंटा से, जर्सी नंबर 10 के पास बॉल था, फिर से मौका है हरिचंदनपुर के पास, लेकिन बॉल फिर से बैक हो गया, ये बढ़िया हेडर जर्सी नंबर 2 हरिचंदनपुर से, फिर से कुंटा के पास बॉल, जर्सी नंबर 15 ये लॉन्ग पास दिए हैं, लेकिन बॉल गलत प्लेयर के हाथ में चला गया, अपने प्लेयर्स को पास नहीं दे पाए, ये परिचालक हैं जो गेम को सही तरीके से समझ रहे हैं, सूझबूझ से खेल खिलवा रहे हैं। हरिचंदनपुर फिर से स्ट्राइक में आया है, शॉर्ट पासेस के थ्रू गेम खेल रहा है, लेकिन कुंटा भी ट्राई कर रहा है वो पासेस को कन्वर्ट करने में, अभी कुंटा के पास बॉल, जर्सी नंबर 9 फिर से बॉल आगे जा रहा है, बेहतरीन हेडर बेहतरीन चेस्ट, जर्सी नंबर 4 फिर से कुंटा के पास बॉल, अब जर्सी नंबर 8 रन कर रहे हैं, जर्सी नंबर 5 ट्राई कर रहे हैं बॉल को लेने के लिए, अभी जर्सी नंबर 14 के पास शायद बॉल हो सकता है, लेकिन डिफेंडर जो हैं कुंटा के, ये अपना रोल बेहतरीन जानते हैं, फिर से कुंटा के पास बॉल, कुंटा के मिडफील्डर ट्राई कर रहे हैं जैसे तैसे बॉल को बाहर निकालने के लिए, और ये हरिचंदनपुर के पास मौका, और ये ऑफसाइड का कहां तक रन करेगा, ओपन एयर में रहेगा, उसी के हिसाब से आपको दौड़ना होता है। अभी फिर से कुटा के पास मौका है, और ये गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये गोल हो चुका है, दो बाहर से कैसे अभी तक का रॉ स्कोर है कोटा की टीम की तरफ से 2 गोल और के पास 1 गोल, 2-1 से आगे हैं कुंटा कॉलेज, फिर से ट्राई कर रहे हैं जर्सी नंबर 8 लॉन्ग किक लेंगे, लेकिन ये सेव, जर्सी नंबर 15 कुंटा के पास बॉल, बॉल को अपने पास कंट्रोल में रखिए, आपको फिर से मौका दिया जाए, और ये गोल किक हरिचंदनपुर से, जर्सी नंबर 8 के पास बॉल, फिर से जर्सी नंबर 15 कुंटा के पास बॉल, फिर हरिचंदनपुर के पास बॉल, बॉल फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है दोनों ही तरफ, कूल रहती है मैसेज के काम, हट ना हरिचंदनपुर आगे लीड कर रहा है, अभी बढ़ रहा है इस मैच के तुरंत ही बाद हम लोग और एक मैच देखने वाले हैं जो है एमबी सोम पटना वर्सेस डीएल डिग्री कॉलेज बहलदा, रंगपुर कॉलेज रंगपुर वर्सेस एसएस महाविद्यालय, जो की पूल ए में है और सेकंड हाफ, पूल ए का पहला मैच जो हो रहा है हरिचंदनपुर वर्सेस कोटा का, इसमें कोटा की टीम ने 2-1 से लीड हासिल किया हुआ है, बस नौका के थे, इसमें कोटा की टीम 2-1 का लीड लिए हैं, मार बे सागर 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 की क्या करना भैया, मिडफील्ड में ही घूमता हुआ, मिला है हरिचंदनपुर को,
कोई वो तो कोई इससे बेकार तो कर रही है पिछले बढ़ रहा है क्योंकि वो एक गोल से पिछड़ रहे हैं। तो बाकी टीम मेंबर्स जैसे नंबर 11 से कह रहे हैं कि वो थोड़ा जल्दी करें। ए पाखरु कहीं हो फाउल करू छ कौन जैसे नंबर 11 हरचंदनपुर और ये बेहतरीन किक लेकिन डिफेंस सिस्टम उतना ही ज्यादा अच्छा है। अभी गोलकीपर के हाथों में बॉल वेट रखा पे टीम अप पे वेट गुटे को अपे वेट में वेट सुनो रहा मल्टी की वेट करना प्लेयर को गटे नेलने को पोजीशन दे चुका मैं जो गेम है वो कोटा की तरफ से कवर्ड है 30% या फिर 35% के अगेंस्ट में हरिचंदनपुर की ले रहा है और ये शॉर्ट पासेस दिया गया है दूसरे प्लेयर्स को दूसरा प्लेयर दूसरे पांच नंबर जर्सी के पास मौका है अभी किक करने का और ये बढ़िया किक था सेंटर फॉरवर्ड के पास अभी मौका है वो अगर इसे गोल में कन्वर्ट कर पाए लेकिन गोलकीपर उससे भी ज्यादा चला हेड को हरिचंदनपुर डिफेंस पोर्ट पे गेम खेल रहा है आराम से फिर से 10 जैसे नंबर 10 के पास बॉल प्लेयर्स में भिड़न जैसे नंबर 11 जैसे नंबर 13 लेकिन बॉल पास नहीं हो पाया जैसे नंबर 14 हरिचंदनपुर जैसे नंबर 14 के पास फिर से बॉल अभी छोटा सा पास मिला है जैसे नंबर 2 को जैसे नंबर 2 बॉल पास लाइन लेकिन वो गलत हाथ में जा बैठा जैसे नंबर सात से फिर आगे बॉल जैसे नंबर 5 और ये गेम खेल रहा है उसी नियम को पालन ठीक है बैक रहो जैसे नंबर 10 का तो ये फाउल हुआ था और किक ले रहे हैं जैसे नंबर 11 हरिचंदनपुर से
और ये किक बहुत ही बढ़िया था, लगभग 5 शॉर्ट पास से लॉन्ग पास, हरिचंदनपुर ऑफसाइड का इशारा बता रहा है लेकिन रेफरी कन्विंस नहीं है। फिर भी अभी बॉल है हरिचंदनपुर के पास, फिर से अभी मौका है कुटा के पास, कुटा गोल में कन्वर्ट कर सकता है लेकिन डिफेंडर बहुत ही तेज दरार डिफेंस के। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है या फिर कोई इतिहास है तो आप रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास आकर के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अरे साकुर ले चल ले चल, अटेंशन प्लीज, रायरंगपुर कॉलेज या फिर या कोई अलग प्लेयर है यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कम्प्लीट करवाइए। और मैं SS महाविद्यालय कुआमरा को भी इन्वाइट करना चाहूंगा, आप आए बोल, आउट आउट कर, बढ़िया पास मिला है जैसे मैं टू मैन दो को पे चला मैं नोडे नोडे आ रहे लग रहा है। अगर तुम चाह रहे हो हमें गोल देना तो मैं तुम्हारे आगे दीवार के जैसा खड़ा रहूंगा, वो स्ट्रांग वॉल का काम कर रहे हैं। जैसे बारिश से बचने के लिए हमें गोल किक खूंटा की तरफ